दो भाइयों ने रोजगार के बारे में मुद्दा उठाया था। हाँ हमें स्वागत हमें कौन आए जी, हमें तो हमारा मांग कुछ मजबूरियां भी हो जी स्वागत करना, असली बात तो ये जी मजबूरियां हैं सरकार की, ये मजबूरी बन गई। लेकिन उन्हें खट्टर साहब ने यही बोला कि इसको इनको उठाओ भगा दे उनको। भाई बहुत बड़ी बात जो है उरा कह दी है कि 90 के 90 क्या मैं नरेगा के एमएलए खड़े करें, नरेगा के 3 महीने तीन महीने ले से पैसे नहीं आ रहे, 3 महीने और क्लियर है जी बात। हाँ जी मेरा काम खेतर का नार का। राम राम छमना, मैं पिंकी कनाल और आप देखने लग रहे हो रियल हरियाणा। फिलहाल भाई गुराना गाँव में मौजूद हाँ, और सीएम मनोहर लाल खट्टर जी आए थे आपसे लाइव में देखा, और उसके बावजूद गुराना गाँव के सरपंच जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते क्या कुछ कह के गए हैं और क्या कुछ आश्वासन दिया है। राम राम जी। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रशासनिक अधिकारियों और सभी कर्मचारी, सभी क्षेत्रवासी, सभी ग्रामवासियों का इस बात के लिए आभार प्रकट करता हूं कि जो ये मुख्यमंत्री जी का आयोजन हुआ उसको सफल बनाने में सबने अपना बहुत सहयोग दिया, उसके लिए सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आपने भी मांग पत्र में काफ़ी सारी मांगे रखी हैं और उनको पास भी किया गया है, केल आ गया है ये मतलब सिर्फ एक तो करवाओगे? वास्तव में करवाने का तो मैम ये है जो सीएम साहब ने मांग माननी है, असलियत में सच्चाई क्या हुआ है, सीएम साहब मांग मान के चले गए, ये मांग मंजूर भी हो जाएंगी, लेकिन इंसान को कागज़ का गल्ला लगना पड़ा है जी। मैं इतना कमज़ोर सरपंच को नहीं, अखबार अपना घर बैठ जाऊँगा, मैं इन मांगा का पीछे लगूँगा, एक भी मांग नहीं छोड़ दूंगा, सारी सरकार पर पूरी करवा के ले आऊंगा। मतलब पूरे चक्कर काटने पड़े हैं जब पूरी हुए हैं, मतलब फिर भी आदमी का ऑफिशियल आप समझो हो प्रशासनिक काम इसे हो, अगर किसी काम के पीछे ना लागो तो पूरे को नहीं हो, लेकिन मेरा फर्ज बना है सरपंच होने के नाते, दायित्व बना है मैं उन कागजों का पीछा लगूं और अपना काम के विकास के लिए उन मांगों को मनवा के ले आऊं। कुछ काकीताई अपने दो रहे यो प्रोग्राम खत्म हो पाछा बोल ली थी, मैं कभी मारती बोलने को दिया, एक तो गणा उच्चा पुल बताओ का उसका समाधान बताऊंगा इसका जी। नमस्कार जी, मैं रोहतास फौजी मनरेगा में टू प्रधान बरवाड़ा। इसमें जी कुछ मनरेगा की अपनी लेबर थी जो लेडीज आई थी, वह बोलने का मौका नहीं दिया, क्यों कुछ एक लोग थे जिसको बोलने का मौका दिया, लेकिन जैसे अपने दादाजी बता रहे हैं हमने जो हमारी मांगे मंजूरियाँ पास करी गई हैं वैसे हमने मनरेगा का 11 मांगों का ज्ञापन दिया है और हमने कागज़ दे दिया, दादा कागज भी वहीं गया और हमारा कागज़ भी सीएम के पास गया, हम भी कागज़ के पीछे इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जो हमारी मजदूरों की खास खास मांग थी भाई 600 रुपये दिहाड़ी हो इनकी और मिशन सैलरी इनका हो, जब तक नहीं बनेगी जब तक पीछे नहीं हटाएंगे जी, हमें दादा के बराबर में सीएम के पीछे का हटाएंगे जी बिल्कुल। ये बात उन ताई और थी बताई कौन के मैंने कभी मारी बदवाना चाहवा थे जो नरेगा की अमाउंट है बताई कौन? हाँ उन्हें मौका कौन मिला बोलने का, हमने पाछे ताइया ने बता दिया कि अपने जो मेट भाई कौशल माओगे तारी दिहाड़ी बढ़ाई जाओगी, जरा तो एक्सीडेंटल जो बीमा है तारा वो 25 लाख का कराया जाओगा, 200 दिन तारी दिहाड़ी होगी, सारा कुछ लिख के हमने 600 रुपये दिहाड़ी का भी यार 100 गज के प्लाट खाली नहीं उनको ऊपर पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए वो पूरे का पूरा ज्ञापन हमने सीएम दे दिया है और कागज़ के पाछे भाजना पड़ेगा जी। जैसे दादा बता रहे गांव की मांग तो दे दी लेकिन भाजना पड़ेगा, तो हमें मनरेगा मेट मजदूर समिति है बरवाड़ा ब्लॉक के प्रधान उप प्रधान है बिल्कुल पीछे भाज जाएंगे, जरा ले आवेंगे जी सीएम पर जी। तो भाई सारी ताई का के भाई जितने भी नुकदे मारी या मांग रहेगी या रहेगी हमने कहना था वो सारी बात आपकी मनोहर लाल खट्टर के पास पहुंच चुकी हैं, जो लग रही भी हमने लिखित में सारा कुछ दे दिया है, थोड़ी सी बारिश होती है पानी भर जाए का समाधान भी करवाना, वो जो फल्ट के कारण काम में नुकसान होया था कुछ भाइयों का शायद ये दिमाग में हो भाई इसने मुआवजे के लिए नहीं लिखा, वो जो मैंने डिमांड लेटर दे रखा उसमें रजबाए का मुआवजा भी दे रखा है, फल्ट का मुआवजा भी दे रखा है, वो मुख्यमंत्री का काम है वो कौन सी मांग पड़े कौन सी ना पड़ता, लेकिन मांग जो गांव की मुख्य मांग है मैंने जो डिमांड लेटर दे रखा है उसमें मैंने सारी मांग दे रखी है और सारी मांग वो सीएम ऑफिस में चंडीगढ़ पहुंच रही है। एक बार जी सारे ग्रामवासियों ने क्लियर करने खातर आपका जो डिमांड लेटर है अगर उसकी प्रति कॉपी आपके पास हो तो एक बार सारे ग्रामवासियों ने उस तक क्लियर करवा दो भी कौन कौन सी मांग अपने रखी प्रति कॉपी। अब तो हमारी तो जेब में मेरे पास जेब में नहीं है गाड़ी में है, मंगवा लो जी एक बार 2 मिनट आप दिखा दीजिए इसमें देखो बढ़ के सुना दीजिए जी। आइए अपनी जो मनरेगा की मांग थी भाई इसमें ये सुन लो क्या क्या मांग थी। इसमें सबसे पहली बात थी मेटों को रोजगार कौशल में जोड़ा जाए, सबसे पहली मांग ये थी, और दूसरा इनको मासिक सैलरी दी जाए, दूसरी थी हमारी मनरेगा मजदूरों की प्रतिदिन की जो दिहाड़ी 600 रुपये करी जावे साल, और मनरेगा मेट मजदूरों को 200 दिन का रोजगार मिला जावे, अगर 5 किलोमीटर तक दूर जावा तो उसका हमारे को किराया भत्ता मिलना चाहिए, और काम करने पर अगर कोई हमारे साथ एक्सीडेंटल केस होता है तो हमारे को बीमे के रूप में 25 लाख मिलना चाहिए, और हमारे को 100 गज के प्लाट
और ऊपर उसमें पीएम आवास योजना के तहत बना के हमारे को प्रदान किए जाएं। हमारे मनरेगा में काम करते समय जो हमारे जो दवाई और जो ये छाया की जो बात करती है, पानी की जो सुविधा बताती है, उनका वो हमारे पास करना चाहिए। और इनमें से काफ़ी छः हमारी 11 टोटल ये मांगे हैं और 11-11 हमने इनको बता दिया के तहत मकानों की मरम्मत के पैसे दिए जाए। जिस मजदूर पर मान ले रहने के लिए जगह नहीं, उसको मकान दिया जाए और एक भवन निर्माण की कॉपी के साथ हमारे को जोड़ा जाए। हमने वो मांग मतलब भवन निर्माण में जो सुविधा मिला है भाई, गांव ने लेके के कुछ मांग रखी गई थी, उन तब उनके बारे में जानकारी और ले रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैम मैं जो हमारी पंचायत की ओर से जो मांग सीएम को सौंपी गई है उनके बारे में बताऊंगा। सबसे ऊपर थी जो तहसील की और मार्केट कमेटी की थी, वो सीएम साहब ने हामी भर दी है। दूसरी मांग थी जो टिब्बा महेंद्र, उसकी मांग दे रखी है अपन ने। तीसरी मांग है जो 2 साल गांव में बाढ़ आई उस तक फसल नष्ट होगी तो उसके मुआवजे की मांग है, वो सीएम साहब को सौंप दी है। आप 2 साल की बात करो, मतलब पिछले साल का भी मुआवजा मिला को नहीं? पिछले 2 साल, पिछले दो, अब की बार नहीं बाढ़ आई है, पिछले 2 साल बाढ़ आई थी, वो मुआवजा नहीं आया अभी तक मिला ही नहीं, नहीं आया उसका तो पता नहीं क्या है। एक गांव में जो अपनी बिल्डिंग है पीएचसी की है, इसको मतलब ये डिस्पेंसरी की बिल्डिंग है, पीएचसी में तब्दील किया जाए, ये मांग अपनी मंजूरी कर दी है। डायर रोड पे एक बूस्टिंग स्टेशन अपना, उसको विस्तार किया जाए, उसमें स्टोरेज की व्यवस्था कम है, उसकी मांग की है। और डाटा रोड पर जो 100 गज के प्लाटों की कॉलोनी है डाटा रोड पर, तो उसमें पानी की व्यवस्था आज तक नहीं हुई है, कॉलोनी जरूर बनी है लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं हुई है, वो मांग भी उन्होंने सीएम साहब को सौंप दी है। पशुओं के जो पानी पीने का तालाब है, ये जो अपने पास तालाब है, इसकी लाइन है ना, अब जो ये फ्लड के लिए लाइन दबाई थी उसमें उखड़ गई थी, तो दोबारा दबवाने के लिए भी मांग की है। एक ऐसी पौंड है मैम परली साइड गाँव के, उसमें पानी भरा रहता है पूरा साल, तो उसके लिए हमने मांग की कि आगे गौशाला के पास 2 एकड़ में तालाब खोदा जाए और उसकी निकासी वहाँ पे की जाए। तो ये मांग जो गांव के प्रमुख थे, ये हमने की हुई थी। और एक मुजफ्फर वाला रोड जो सर सीएम साहब ने मंजूरी कर दिया है वो। तो भाई सारी आपने मतलब जो मांग रखी गई थी वो सुन ली है, उसके बाद एक साथी और खड़े हैं, वे भी बातचीत करना चाहते हैं। एक जी जो ये नहर के जी हैं जी, वर्कआउट किसे काम का लेबर किसे की, ये मेटों को काम नहीं देते, ये मन मर्जी का काम करते, जो मेट पैसे देते हैं उन्हें को काम देते हैं, जिसकी सीमा अलग है उसको काम नहीं दे रहे जी। ये आपने लिखित में दिया? लिखित में दे दी और इसकी जांच होनी चाहिए, जो जेई दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई। एक समय पर पैसे नहीं आते पेमेंट, 3 महीने से नरेगा के पैसे नहीं आ रहे, 3 महीने हो गए जी नरेगा के, 3 महीने 3 महीने लेबर से पैसे नहीं आ रहे, 3 महीने और क्लियर है जी ये बात? हाँ जी, मेरा काम खेतड़ का एक पैसा नहीं आया। और ये अधिकारी के गए डोंगल को लग गया, फलाना को लग गया, आज वीडियो बदली हो कम मारा थोड़ा ही है, ये तो रोज बदलते जगह, लेकिन दो तो ये जाली तीज है, एक रक्षाबंधन गुगा है, 4 त्योहार जाली है, सभी के सुख है, लेकिन ये सरकार को ईद तक नहीं होनी सच्चा, मजदूर है पैसे दे दे। अरे ये मांग मारी मांग पूरी हो गई ठीक से, नीच चंदी का डेरा डाला है, 29.5 लाख मजदूर है हरियाणा के अंदर है, पेंडा नहीं छोटा है सरकार, इतना हमारी मांग पूरी नहीं। तो भी आपने के लागे है गए तो जान दो ना, तो आपने के लागे है 3 महीने तब मजदूरों के पैसे नहीं आने लग रहे, जो नरेगा के मजदूर हैं, मजदूर ने एक इस नजरिए तो देखा जावे है भी तड़के तो शांति कमाओ अगर सूत्री डाल खा के सो वगा यही मान दोगे जी? बिल्कुल बिल्कुल, मजदूर ने इस नजरिए तो देखा जावे है कि भाई वो सुबह तो शाम तक अपना पेट भरण खातर काम करे है, अगर दिन में कमाई करेगा तो शाम ने खावेगा, लेकिन 3 महीने अगर पेमेंट नहीं दी जाओगी तो जो किस तरह अपना जीवन व्यापन करेंगे? तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए जी इसके बारे में, तो मजदूर को अगर दिन में मजदूर काम करता है शाम को पैसा चाहिए क्योंकि उससे उसका चूल्हा जलता है, लेकिन ये मौजूदा सरकार है नहीं सुन रही जी। यहाँ पे रोज़ तो वीडियो बदले होते हैं, रोज़ SDO बदले होते हैं और ABP और ये जो रोजगार सहायक हैं ये भी आपस में बदले होते रहते हैं, और इनका डोंगल नहीं बनता। हम जाते हैं, हमारे को 1 महीना हो गया काम किए भाई, हमारे काम की जो हमारी वो तनख्वाह दो, जो पैसे बनते हैं मजदूरी के, बोलते हैं आज SDO का डोंगल नहीं बना है, आज वीडियो नहीं आया है, आज उसका मतलब कि ये आपस में ये बहानेबाजी कर रहे हैं और मजदूर परेशान हैं जी। तो भाई आप है ना सारे के सारे खड़े हो, मौजूदा सरकार सुनवाई नहीं कर रही, इस तक खुश भी नहीं हो और फिर भी स्वागत के जमा दूं बैठा रखे। हां हमें स्वागत में कोनी आई जी, हमें तो मारा मांग कुछ मजबूरियां भी हो जी स्वागत करना, असली बात तो ये है जी मजबूरियां हैं है? सरकार की ये मजबूरी बन गई है, बिल्कुल इतनी तो 1% भी इसका तो कड़ी है वो रोल ले नहीं जी, हमें और के यो मनोहर लाल खट्टर कहते मन ने काम करे इतना किसे ना करे, हां इत देश का नाश कर दिया जमा, बिल्कुल है हाँ जी जी, कारण दे रहा जी को अधिकारी रास्ते में अगले मंड वाले आगे बाहर पटक दिए हैं। एक बात और, जिस टाइम नरेगा के मजदूर काम करे नहरा पे मने सुपर ऊपर घास है,
उसमें सांप का भी डर है, भीड़ भी लड़ जे है, किसी के लेडीज के भी लड़ चुके हैं, रिएक्शन हो जेरो और सारा सिस्टम, उसका हमने कोई खर्चा नहीं देते, गोली पड़ी कुछ नहीं देते। लेकिन रूल में क्या है, 5 बच्चे हो उसका बच्चे रखने वाली अगर लेडीज होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए और दवाई होनी चाहिए, रेस्ट करें उनका टेंट होना चाहिए, लेकिन कुछ को नहीं, पल्ली भी को नहीं बिछाने देंगे। हमें इसका मिट्टी में मजदूर रोटी खा वो गंदा पानी पीवा, हमें इसका स्वागत में कुने जी, हमें तो हमारे मजदूर अगर मेटा कहते रहो जो मांग पत्र धनी बोर दुनिया मांग पत्र दे, हमारा मांग पत्र भी सीएम का जाना चाहिए और पेंडा कौन छोड़ दे जी, अगर कार्रवाई और किसी की हो तो गलत कार्रवाई मारी हम करवाए के लेवाओगे जी, बिल्कुल बिल्कुल लेवाओगे, छोटा को जी जमा बिल्कुल जी, चेक कोई हो हमें लेवाएंगे जी, बिल्कुल तो भाड़े में लाग जाए, कदे इशारा वो जमा कराना, कदे हम भी भरवानी, कदे कोई किराया भाड़ा कुछ तो भरना पड़ेगा, कुछ तो भरना पड़ेगा जी, इशार जमा करे क्या हो जी, ऑनलाइन की में मेटा को मैं कड़ी गाड़ी तो किराया में लाग जाए सारी, क्या चक्कर जी कटवा दे है 3 चक्कर आगे 90 के 90 लिखा मैं नरेगा के ने एमएलए खड़े करांगे, चाहे वहां रोजा जीतो वोट देंदे भी कोनी भाई, बहुत बड़ी बात जो है उरे कह दी है कि 90 के 90 लिखा मैं नरेगा के एमएलए खड़े करेंगे, चाहे जीतो चाहे हारो, एक साथी और अपने साथ खड़ा है वो भी अपनी मांग रखना चाहवे है कि होगी। राम राम भाई सारे दर्शकों ने, आज आपने देखा भाई रोजगार के बारे में एक भाई एक बात भी नहीं कही खट्टर साहब ने, सारी बात इधर उधर ही घुमा दी, ये जनसंवाद है, ये सब बकावा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कही रोजगार की जो युवाओं को प्रति हो। दो भाइयों ने रोजगार के बारे में मुद्दा उठाया था, उन्हीं को ऐसे बोला कि ढोंग कर रहे हैं ये, हमें सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो इस सरकार के विरुद्ध बोल रहे हैं, जो रोजगार के बारे में बातें कर रहे हैं, वो सिर्फ उसको उठा के कह रहा है इसको ले जाओ। आपने पूरा जनसंवाद देखा है, इस जनसंवाद में दो बंदे ने अपना रोजगार के बारे में जो हकीकत बनी थी उनके साथ वही उन्होंने बताई, लेकिन उन्हें खट्टर साहब ने यही बोला कि इसको इनको उठाओ भगा दे उनको। तो सारे भाइयों मैं यही कहूँगा कि ये सब बकवास करने लग रहे हैं, बहकावा करने लग रहे, जनसंवाद कुछ नहीं है, जो सही बात बोलता है उसी को उठा के साइड रख देते भाई। जन संवाद नहीं बताने लग रहा भाई, इसने नो कहे जो बात करे उसने उठा लिया था। यही बात भाई, हाँ यही बात भाई। तो दो साथियों ने नो कहे आवाज उठाई अपने रोजगार के बारे में, उन्हें थी उठा लिया गया है, यह सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई, भी आपने देखा जन संवाद में बिल्कुल दो भाइयों ने उठा के ले गए पुलिस वाले, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं बोलने वाला भाई, इनको भाई इनका पक्ष लो, इनको सही बोल रहे हैं ना, इनकी सुनो सुनाई तो करी नहीं उनको, जो थोड़ा बहुत बोला उसी टाइम पर उठा गया, लेकिन उनका पक्ष नहीं लिया किसी गांव राउंड ने भी, और जो इधर जितने भी दर्शक बैठे थे जो जनसभा सुना रहे थे, किसी ने भी ऐसा नहीं बोला कि भाई इनकी समस्या सुनो, लेकिन सर प्रशासन उसको उनको दोनों को उठा गया लेके भाई। तो कैसी लगी आपको जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जनसंवाद के कार्य के बाद में जो लोगों की राय है वो आपने सुनी, कैसी लगी है जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।